Hi, this is Mohit Kapoor and you are watching me on Telegram. Thank you. So, hi Mohit, welcome to Telegram. Hi. So, firstly, ये जानना चाहेंगे काफी चर्चा में आप हो आजकल बिग बॉस को लेकर. So, इसी मुद्दे पर हम आपसे आज चर्चा भी करना है. कौन ये चर्चा ही फैला रहा है मुझे उन लोगों के नाम जानना है पहले तो. सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कहना चाहोगे, आपका नाम आ रहा है बिग बॉस के लिए, कितनी हकीकत है ये और कितना यू नो झूठ है. यार मैं कहना चाहूँगा कभी मौका मिला तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे जाऊँगा. एंड ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को दिखाने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए. तो ऐसा कभी कोई मौका मिले मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं जाना पसंद करूँगा. एंड आई वुड लव टू एंटरटेन द ऑडियंस. चीयर्स. ओके, सो मोहित, बीइंग अ यू नो फैशन डायरेक्टर, ये जानना चाहेंगे आपने काफी लोगों को स्टाइल किया है जो बिग बॉस से रिलेटेड भी रहे हैं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रहे हैं, क्या उनसे आपने कुछ सलाह ली? अगर आप जाओ तो किससे आप सलाह लेना चाहोगे? सी, मैं सलाह तो किससे नहीं लेना चाहूँगा डेफिनेटली, बस मेरे दोस्त हैं. मैं एक थोड़ा सा फॉर्मेट जरूर समझना चाहूँगा, वो मेरे बहुत मित्र हैं. मैं दो तीन चार सीजन को मैं स्टाइल किया अलग अलग लोगों को, तो मैं उनसे सलाह तो कहीं नहीं लूँगा, बिकॉज जो सलाह लेके जाते हैं ना वो थोड़ा फेक हो जाता है, आर्टिफिशियल हो जाते हैं. और मैं वैसा नहीं हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ. मुझे मैं जैसा हूँगा मुझे वैसा ही दिखाना है लोगों को. कोई प्लस या माइनस या कोई कैलकुलेटिव चीज़ नहीं दिखाना है. वो जो लोग कैलकुलेटिव खेलते हैं वो बहुत बेइज्जती करवा के बाहर निकलते हैं. एंड आपको पता है मैं यहाँ पे किसकी बात करूँगा, आई विल नॉट नेम, बट ऑडियंस समझदार है. तो प्लीज़ बहुत कैलकुलेटिव होके प्लस माइनस करके मत खेलिए. कोई भी है, इट्स जस्ट अ मैसेज फॉर ऑल. अगर मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा है, कभी जाऊँगा, जो भी होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट या इट्स जस्ट अ मैसेज फॉर ऑल द वन हु इज़ गोइंग एंड हु विल बी द पार्ट ऑफ द शो. कैलकुलेटिव मत खेलिए, जस्ट बी योर सेल्फ. इट्स अ रियलिटी शो, सो शो योर रियलिटी. नहीं करूँगा, फिर नहीं करूँगा, बिकॉज देन आई वुड जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ. बिकॉज मेरे पास इसी हर टाइम पे आप एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, राइट? अगर मैं शो में जा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, देन डेफिनेटली आई जस्ट वांट टू स्टाइल माई सेल्फ ओनली, बिकॉज फिर आपका विजन भटक जाता है. ठीक है, और मुझे भी तो अच्छा दिखना है यार. बट हाँ, अगर मैं शो में नहीं जा रहा और मेरे पास स्टाइलिंग रिक्वेस्ट आ रही है तो डेफिनेटली मैं स्टाइल करूँगा. एंड आई लव स्टाइलिंग पीपल, दस हमारा पेशा है और मैं अपने पेशे से जुड़ा रहूँगा. जी, जिस तरह यू नो ये फैशन डायरेक्टर पे आपकी अगर बात करें तो किस तरह आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई ये जानना चाहेंगे, और 4 साल आपको इस इंडस्ट्री में कंप्लीट हो गए हैं जी, तो ये थोड़ा आपकी यू नो जर्नी के बारे में बताइए. जर्नी देखिए, कोई भी आप काम करते हैं आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होती. जर्नी टफ रही है डेफिनेटली. होटल से मैं होटल में जॉब करता था, 7 साल आज मुझे मुंबई में हुए हैं. 7 में से 3-4 साल मैंने होटल में जॉब की, उसके बाद धीरे 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 मैं फैशन की ओर मुड़ा. तो आप नए होते हो, बाहर से होते हो, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, आपको चैलेंज बहुत फेस करने पड़ते हैं. आप लोगों को ट्रस्ट भी जल्दी करते हैं, राइट? आप उनकी बात पे अग्री करने होते हैं, सहमत हो जाते हैं. बट गाइड करने वाले बहुत मिलते हैं और मिस गाइड करने वाले थोड़े ज़्यादा मिलते हैं. तो आपको थोड़ा स्मार्ट होना होता है. एंड सबसे बड़ी बात, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं. दे थिंक दैट हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ये तो बहुत नया है, ये नहीं कर पाएगा, इतना आसान थोड़ा है, हम 10-15 साल से बैठे हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब आज मैं नाम लेना भी स्टार्ट करूँगा तो एक लिस्ट बन जाएगी, तो मुझे वो लिस्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं देनी है. तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, देखो मोहित कपूर काम कर रहा है और ऐसे ही काम करता रहेगा. आप देखिए, तमाशे देखिए, हम लगाएंगे. किया है जी, जी 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 तो ये जानना चाहेंगे आपके लिए अब तक का फेवरेट कंटेस्टेंट स्टाइल किया हुआ कौन था और जिसे यू नो लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया? सी, फेवरेटिज्म तो मेरे लिए, सी मेरा काम है, एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा कलाकार हूँ और मैं लोगों को अपनी कला से प्रभावित करता हूँ और सभी को स्टाइल करना इज अ पार्ट ऑफ माई वर्क. ठीक है, तो मेरा काम है सभी को अच्छा दिखाना. फेवरेट मेरे सभी हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लुक्स बहुत लोगों ने पसंद की थी. इफ़ आई गो टू आई थिंक सीजन 15 में जब उमर रियाज की दिवाली लुक बहुत ट्रेंड हुई थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी. आई थिंक मीडिया ने बहुत लिखा था उसके बारे में, वन ऑफ द एक्सपेंसिव आउटफिट विच वी हैव गिवन टू हिम. एंड फिर बात करें सीजन 16 में व्हाट इज़ इट, गौतम विक की ट्रेंड बहुत हुई थी, उनकी बहुत वीकेंड के वार की बहुत सराहना हुई थी उनकी आउटफिट को लेकर स्पेशली. तो आउटफिट लोग पसंद करते हैं एंड यही हमारा पेशा है, एंड आई एम श्योर लोग आगे भी पसंद करेंगे अगर मौका मिला. एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने मीका सिंह के भी स्वयंवर के यू नो जी भी आपने किया था, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस
वेरी गुड, मैंने मीका रिबोटी स्विमवेयर किया है, मैंने उनको एक्सक्लूसिवली पूरा स्विमवेयर के लिए स्टाइल किया है। हम 1.5 से 2 महीने साथ में थे, अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर रहे थे, एंड उमेद भवन पैलेस उदयपुर में हम लोग शूट कर रहे थे, एंड बहुत ही अलग, नहीं जोधपुर में, सॉरी माय मिस्टेक, जोधपुर में उमेद भवन पैलेस में हम लोग शूट कर रहे थे। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, रजवाड़ा स्टाइल वैसा लाइफ स्टाइल, वहाँ के कमरे भी ऐसे। अगर इफ आई टॉक अबाउट द होटल्स, होटल भी वैसे ही है वहाँ पे, रजवाड़ा स्टाइल के बेड होंगे। एक रॉयल एक्सपीरियंस था, बिकॉज ही यू नो इज नोन हिमसेल्फ एज अ किंग मीका सिंह। तो आपको एक किंग लाइफ जीनी है, किंग लाइफ स्टाइल जीना है, तो आप मीका के साथ डेफिनेटली काम कीजिए। एंड इज अ सच अ वेरी हम्बल पर्सन, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, एंड आई रियली लव हिम, एंड या आई थिंक ही दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर गेन। Amit, it's just been, you know, 4 years in this industry as in, you know, fashion director. How much it is difficult for you and challenging for you to, you know, style different personality also, कभी ऐसे you know swim पर आ जाता है और एकदम नजवाड़ा style हो जाता है, कभी big boss आता है तो खुद subtle way भी जाना पड़ता है. So how much it is challenging for you? सी चैलेंजेस तो होता है कभी कभी, तो हमें ऐसे कॉल आते हैं, आपको शाम को 2 बजे कॉल आएगा, हाँ कल कल दोपहर का शूट है, और फिर एक नया चैलेंज लेके आएंगे, हमें यही लुक चाहिए। अभी आप यू आर इन अ बिजनेस ऑफ कॉस्ट्यूम, आप मना नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे होता है कि आपको कैसे ना कैसे अरेंज करना, और हम एक स्टाइलिस्ट है तो हमें वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही होता है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री ना क्विक बहुत होते हैं, यहाँ पे चेंजेस बहुत होते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 50% रिक्वायरमेंट लास्ट मिनट की होती है, कि अब ये हो गया वो हो गया, वट एवर जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, डस नॉट काउंट दैट। बट या आपको मैं बोलूंगा, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो आप रिप्लेस हो जाओगे, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी सेलेक्टिव एंड चूजी एंड क्लासी। अगर आपके अंदर आपके अंदर 3-4 गुण हैं, और आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए मार्केट में, बिकॉज अगर आपके गुड रिलेशन है, टाइम पे आपको डिजाइनर सपोर्ट करते हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन ग्रो दैट। अभी आपने यू नो आपने मल्टीपल सेलिब्रिटीज के साथ सॉन्ग में भी काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे, एज इन यू नो फैशन डायरेक्टर सॉन्ग के लिए काम करना कितना डिफरेंस रहा है और क्या कुछ चैलेंज। सी मैं बताऊंगा, हर 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 एक का अपना क्राइटेरिया है। इफ आई टॉक अबाउट स्टाइलिंग इन सॉन्ग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड स्टाइलिंग इन स्विमवेयर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड स्टाइलिंग इन बिग बॉस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हर चीज़ का एक अलग अलग सेगमेंट है, फैशन वीक में स्टाइल करना बहुत अलग हो जाता है, तो हर एक का डिपेंड करता है कि क्या मूड बुक है। हर एक के लिए हम पहले प्लानिंग होती है, मूड बुक बनते हैं, चूज होता है, ट्रायल्स होते हैं, फिटिंग्स होते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लोगों को वो जो स्क्रीन पे एक्चुअली दिखते हैं आर्टिस्ट, और उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है। फिर स्टाइलिंग का काम सिर्फ कपड़े नहीं है, कैसा मेकअप होना चाहिए, कैसा हेयर होना चाहिए, कैसी ज्वेलरी होनी चाहिए, कैसे फुटवेयर होना चाहिए, अपियरेंस कैसा होना चाहिए, इट्स अ कम्प्लीट पैकेज यू हैव टू शो दैट वॉट स्टाइलिस्ट हैव टू डू, ओनली ओनली द क्लोथ। तो अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। गानों का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अब रिसेंटली मैंने 7 गाने बनाए हैं। As a director, I'm the director for the song, and I'm also a producer, one of the producer in the song. And so let's see, very soon आपको floor पे दिखेंगे, so I wish कि बहुत सब कुछ अच्छा रहे, and ऐसे हम आगे grow करते रहें। Okay, so talking about inspiration, who is your fashion inspiration? Fashion inspiration, see inspiration, मेरे को बहुत सारी चीजें inspire करती है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि सिर्फ एक specifically person मुझे inspire करेगा, या specifically ही actor ही मुझे inspire करेगा। बहुत चीज़ों से मैं मेरे को डिस्कवर करना पसंद है, मुझे यू नो चीज़ें खोजना, सोचना उसके बारे में, तो मैं इन चीज़ों को रिसर्च करके देन आए थे। मेरे को बहुत सारे लोग पसंद है, नो स्पेसिफिक नेम कि मेरे को इस चीज़ से ही इंस्पायर होना है, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें, कई बार मैं भगवान के सीरियल देखता हूँ तो मेरे को वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिलती है, राइट। कभी मैं कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ, इंटरनेशनल वेब सीरीज देख रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, तो वहाँ से भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। कहीं मैं कोई सी आई डू फैशन शोज एज वेल, राइट, मैं फैशन एज अ शो कोरियोग्राफर या शो डायरेक्टर काम करता हूँ, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन आपको किसी भी चीज़ से मिल सकती है, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।